फतेहपुर बस स्टैंड है, मेरे पीछे बस निकल रही है और अब चलते हैं फतेहपुर से कानपुर। छोटी सी यात्रा करवाते हैं आपको, पहले फतेहपुर शहर की छोटी सी झलक दिखाते हैं फिर कानपुर। फतेहपुर का बाहरी बाजार है, देख सकते हो यहाँ से बस चलती है। ये फतेहपुर है और ये देखिए बाजार जो है फतेहपुर का, और यहाँ काफी अच्छा ट्रैफिक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं और कानपुर की तरफ। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये हमारी बस है और अभी हम बस में बैठ चुके हैं। ये बस की सवारी है, मेरे पीछे भी बहुत ये मूंगफली बेचने वाला आ गया। किसी को कुछ लेना हो तो ले सकते हो भाई। अब हम चल पड़े हैं भाई, ये फतेहपुर से बाहर है। ये NH2 है भाई, कोलकाता दिल्ली का नेशनल हाईवे, बिल्कुल फतेहपुर से बाहर निकल गए हैं। और ये बड़ी मजेदार यात्रा है, ये देखिए बिल्कुल नया रोड बन चुका है। ये कोलकाता का किराया है 109 रुपए, रोडवेज भी यूपी रोडवेज यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का 109 रुपए किराया है फतेहपुर से कानपुर। बने रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया दृश्य आपको दिखाते हैं, मजेदार यात्रा है भाई। और ये बस में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बड़ी ये देखिए रोडवेज है और बड़ा मस्त है। हाईवे का तो कहना है क्या, योगी जी का धन्यवाद करना चाहिए, बहुत मस्त हाईवे बनाया है। ये भाई चिकित्सा यानी मेडिकल कॉलेज है फतेहपुर का। बस रुक गई भाई, ये भाई गांव तो आगे पता नहीं खागा से पहले कौन सा, मुझे भी नहीं पता भाई। ये देखिए ये कानपुर में एंट्री कर चुके हैं भाई, सुंदर और स्वच्छ शहर कानपुर। ये बारा देवी चौक है, ना एक्सप्रेस। बत्ती यहाँ भाई 20 से 25 मिनट बत्ती होती है, बहुत परेशानी हो रही है भाई, देखिए काफी देर जाम लगा है यहाँ। कानपुर शहर, ये भाई मेट्रो बन रही है, ये जकरगट्टी बस स्टैंड है और ये गरीब चौकी टी रोड और यात्रा पूरी हुई भाई। फतेहपुर से कानपुर ये छोटी सी यात्रा हमने आपको दिखाई, और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, देखते रहिए हमारे नए नए वीडियो, नए नए शहर और नए नए रास्ते, बड़ा आनंद आएगा। अब अगर कभी भी आप बोर हो तो हमारे वीडियो देख लीजिए, नए शहर नए रास्ते। जय श्री राम दोस्तों।